ओम शांति। लेंगे सभी एक मिनट के लिए अपनी संपूर्ण चेतना को एकाग्रित करेंगे मस्तक के बीच चमकता हुआ प्रकाश स्पष्ट रूप से दिव्य बुद्धि के द्वारा कल के होमवर्क पर एक नजर फेराएंगे। और चेक करेंगे मेरा आज का अमृत वेला कैसा रहा। पूरी सच्चाई के साथ अपने आप को दस में से मार्क्स देंगे। चेक एंड चेंज की विधि से हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे। आज मेरा अमृत वेला दस में से कितने मार्क्स परसेंटेज और कितने बजे किया। टाइप करेंगे थोड़ा। ओम शांति। हमारे पास कई भाई बहनों के मैसेज आए और खुशी की बात कई भाई बहनों ने कल की क्लास से 2 बजे अमृत वेला का संकल्प लिया और आज उसे सफलतापूर्वक निभाया भी। बधाई हो उन सभी भाई बहनों को। एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है संगम पर। इसे निरंतर कैसे रखना है उसमें भी आपको
मदद की जाएगी। कई भाई बहनों के फोन भी और मैसेज भी आए कि हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसमें एक बात ध्यान देंगे सभी भाई बहन, सबसे पहले जो हम बताएंगे वो बताएंगे जो श्रीमत कहती है, जो श्रीमत के अनुसार संगम युग पर बेस्ट कमाई के लिए होना चाहिए हम वो बताएंगे पहले। फिर आपकी व्यक्तिगत शक्ति और व्यक्तिगत समस्याएं उनको बाद में हम पिकअप करेंगे और उसके अनुसार भी समाधान दिए जाएंगे। हमने खुद डिफेंस सर्विस में सेवा की है, हमारी खुद की ड्यूटीज काफ़ी हैक्टिक रहा करती थी और मैं उस समय भी ज्ञान में था, परंतु किस प्रकार से ड्यूटीज के साथ जिम्मेवारियों के साथ हमने अपनी धारणाओं को भी रखना है कायम, उसके भी विधियां बताई जाएंगी। एक नियम याद रखना जो सबसे पहले हमें बचपन में पढ़ाया गया, जहां चाहा होती है राहें खुद पैदा हो जाती है। Where there is a will, there is a way। इच्छा शक्ति से ही समस्याएं हल होती हैं, रास्ते दिखाई देते हैं। तो कई भाई बहनों ने लिखा, अपने मार्क्स दे रहे हैं, किसी ने 6 दिए हैं, किसी ने 4 दिए हैं, अभी कोई 9 वाला नहीं आया है। चलिए, कईयों ने लिखा 2:30 पर उठे, 7 मार्क्स वाले भी हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात पर विचार कीजिएगा, जब स्वयं आदि पिता ब्रह्मा को, जो नंबर वन सोल रही, इस ड्रामा की नंबर वन सोल हैं, जब स्वयं को संपूर्ण बनाने में उन्हें भी 2 बजे उठकर के तपस्या करनी पड़ी, तो विचार करो क्या वो 2 बजे हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं। परंतु कैसे किया जाए, इसी के समाधान के लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप आपकी मदद करेगा। तो आज हम कुछ और पहलुओं को अमृत वेला के टच करते हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, सबसे ज्यादा जो कार्य करेगा वह आपका संकल्प कार्य करेगा। फिर से मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद पूरे संगम युग मेरा अमृत वेला मिस नहीं होगा? नंबर 1। फिर क्या आपने 2 बजे उठकर तपस्या करने का और सारे संसार के दुख समाप्त करने का संकल्प धारण किया है? अपने आप से पूछें। कार्य केवल आपका संकल्प करेगा, हम केवल दिशा निर्देश दे सकते हैं। योर माइंड इज योर सर्वेंट, नॉट माइंड।
मेरे भाषण से, किसी के भाषण से, यहाँ तक कि भगवान के वाणी से भी वो मन बदलता नहीं, क्योंकि वो आपका गुलाम है। कल भी मैंने बताया था, इस बात को समझना है, भगवान की वाणी में से भी जो चीज मैं छांट कर सेलेक्ट करके अपने मन को कमांड देती हूं, मैं आत्मा, वही चीज मेरा मन स्वीकार कर। वरना बाबा की वाणी सुनकर हम तो अभी तक संपूर्ण बदल जाने चाहिए, ठीक है? तो इसलिए अपने थॉट में बल भरते जाएंगे, चलेंगे। कल मैंने कहा था कुछ चीजें डिलीट करनी होंगी और कुछ चीजें नई धारण करनी होंगी। बाबा की मुरलियों में आता है कि योग शब्द निकाल दो, डिलीट कर दो। भले ही हमको अपनी भाषा में योग शब्द यूज करना पड़ता है, लेकिन अपनी साइकोलॉजी में से मुझे योग करना है, ये शब्द बाबा की श्रीमत अनुसार डिलीट कर दीजिए। क्योंकि योग शब्द थोड़ा मुश्किलात का अनुभव कराता है। योग का रिप्लेसमेंट है याद करना है। मुझे बाबा को, जो मेरा परम मित्र है, जो मेरा सच्चा संबंधी है, साथी है, मुझे उसे याद करना है। योग कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग की उस साइकोलॉजी को भी साथ में खींच लेता है, जिसमें थोड़ा सा फिर हठ भी मिल जाता है। मुझे याद करना है, और याद करना मुश्किल नहीं हुआ करता। नंबर एक चीज डिलीट की, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, कम से कम अपने अंदर, कि मुझे याद के लिए उठना है, मुझे याद में बैठना है, बाबा की याद में बैठना है, योग में बैठना है की बजाय बाबा की याद में बैठना है, अपने साजन की याद में बैठना है, ओके? दूसरा शब्द, दूसरी बात जो डिलीट करनी है, अटेंशन देंगे इसमें 60-70% से भी ज्यादा हम लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं। योग में कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठना है। ये बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि हमें श्रीमत को मानना है। जो मेरा बाबा कहे, मुझे उससे योग सीखना है, उसमें मनमत मिक्स नहीं करनी है। भले कईयों ने सिखाया होगा या कईयों को देखकर सीख लिया, लेकिन अभी हम उसको ठीक करेंगे। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठकर ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ, कमाई नहीं हुई। याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। तुमको तो, ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान की वाणी है, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा बेशक। तो कहा, आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं, अंडरलाइन करेंगे, भगवान की आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठे, आंख बंद कर कांध नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए,
आंख बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा, और कोई को याद करते होंगे, अंडरलाइन करेंगे, दाल में काला होगा यानी कोई गलती हो जाती है, कोई विमम की याद परफेक्ट नहीं रह सकती जब तक दृष्टि में बाबा का चित्र सामने, आशिक को माशुक का चित्र सामने नजरों में दिख नहीं रहा हो, तब तक वो याद पक्की नहीं हो सकती है। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। ओम शांति। देखिए बात समझ में आई। तो मैंने ये मुरली से इसलिए सुनाया क्योंकि इसे डिलीट करना बहुत जरूरी है। योग में अगर आंखें बंद करके बैठे, इस पर एक अलग से क्लास भी होगी, आपका सोल कॉन्शियस स्टेज पावरफुल होगा ही नहीं। आंखें बंद करके अनरियलिस्टिक याद हो जाएगी, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक याद। वो याद कर्म योग में आपके मददगार नहीं बनेगी, क्योंकि आपने अभ्यास किया है आंखें बंद करके। लौकिक स्टडी में भी हमने ये अनुभव किया, हम किसी चीज को आंखें बंद करके जब याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम तो लिखना है आंखें खोलकर, उधर हमने याद ऐसे आंखें बंद करके, और यहां याद आना है आंखें खोल के, तो यहां पर मुश्किल हो जाती है, वो भूल जाते हैं, या फिर उनको वहां बैठे बैठे भी ऐसे आंखें बंद करनी पड़ती ताकि जैसा अभ्यास से मेमोराइज किया था उसी अभ्यास से रिकलेक्ट कर सके। तो योग में आंखें बंद नहीं करनी है, ये बात बिल्कुल डिलीट करनी है। और कैसे करना है आंखें खोलकर, वो आपको बताया जाएगा। घंटों बैठ सकते हैं आप, घंटों। आशिक माशुक वाला योग है ये, आशिक माशुक की याद है, घंटों बैठ सकते हैं। हमें भी पहले इस चीज का मालूम नहीं था, लेकिन अभी बहुत सुंदर अनुभव इसके होते हैं, और बाबा की वाणी से हमने सीखा है सब कुछ। नेक्स्ट, योग के आसपास की चार अवस्थाएं होती हैं। थोड़ा ये बात, ये वाला सब टॉपिक ध्यान से सुनेंगे। योग के आसपास चार अवस्थाएं होती हैं। आज भी अमृत वेला अगर आप देखेंगे कि मैं किस अवस्था में बैठी थी आत्मा, क्या मैं फुल्ली अलर्ट बैठी थी, क्या सेमी अलर्ट बैठी थी, या नींद में थी? तो अवस्था अपनी चेक करेंगे ना तो पता लग जाएगा। ये जो मार्क्स दिए हैं, किसी ने 6 दिए हैं, किसी ने 7, किसी ने 4, तो ये खुद बताता है कि अभी अलर्ट नहीं थे, जागृत होंगे, एकाग्रित नहीं होंगे, कहीं जागृत भी नहीं होंगे। अनेक प्रकार की अवस्थाएं हमने अडॉप्ट कर ली हैं योग में, उसमें से मुख्य रूप से चार में हमने उसको डिवाइड किया है। वो चार हैं, एक है निंद्रा, एक है तंद्रा, एक है शून्यता, और एक है जिसे हम योग या याद की परफेक्ट अवस्था कहते हैं। दोबारा से सुनेंगे, निंद्रा, तंद्रा, शून्यता और योग। इसमें से 60-70% तंद्रा, जिसे हम सेमी निंद्रा भी कह सकते हैं, तो सेमी निंद्रा को ही हम योग समझते हैं।
वास्तव में योग में तीन फैक्टर्स होते हैं। अभी योग शब्द मुझे उसके लिए यूज करना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन के लिए यूज करना पड़ रहा है। तीन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है चिंतन, चिंतन। दूसरा है चिंतन के अनुकूल अनुसार चित्रण, और तीसरा है चित्रण के अनुसार चितवन। चितवन यानी फीलिंग, चित्त हृदय को बोलते हैं, फीलिंग्स को बोलते हैं। तीन चीजें होती हैं योग में, स्पष्ट चिंतन, उस चिंतन का स्पष्ट चित्रण, और उस चित्रण के साथ उसकी स्पष्ट अनुभूति यानी चित्वन। तीनों चीजों को ध्यान देंगे। लेकिन सेमी निंद्रा की अवस्था में, एक होता है निंद्रा की अवस्था, पहले उसको समझें, वो तो सबको इजीली पता है। निंद्रा यानी झुटका आना या टोटली डिस्कनेक्ट हो जाना, उसमें टोटली स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, न चित्रण रहता है, न चिंतन रहता है, और न फीलिंग रहती है। तो वो हो गया नींद की अवस्था। दूसरी अवस्था है शून्यता। एक अवस्था बताई शून्यता। शून्यता की अवस्था में जागृत है पर जीरो है। अनुभूति लेस है, उसमें अनुभूति मिसिंग होती है, और धीरे धीरे चिंतन भी स्टॉप हो जाता है, चित्रण भी धीरे धीरे। शुरू में होता है, लगता है बहुत अच्छा चित्रण चल रहा है, धीरे 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 वो भी स्टॉप हो जाता है, शून्यता। और फिर शून्यता निंद्रा की ओर ले जाती है। इसलिए कहा गया है मेडिटेशन इज अ कॉन्शियस स्लीप एंड स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। नींद और योग दोनों एक दूसरे के आसपास है, बहुत ही एक थिन लाइन से ये अलग होते हैं। नींद में भी हम वही कर रहे होते हैं जो हम योग में करते हैं। वी आर ब्रिंगिंग डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड, जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम धीरे 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 नीचे लाने का ही प्रयास योग में करते हैं। और यही प्रयास हम तब करते हैं जब रात को हमें सोना होता है, वहां पर हम आंखें बंद करके करते हैं। वी स्लो डाउन द थिंकिंग प्रोसेस, और धीरे 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 फिर हम उसको रोकते नहीं है, उसको हम स्लीप की ओर जाने देते हैं। परंतु योग में हमें उसे जाकर एक ऐसी अवस्था पर रोकना होता है। दिस इज अ वेरी फाइन ट्यूनिंग माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट इज अ वेरी फाइन ट्यूनिंग। जहां पर आपको रोकना है वो फ्रीक्वेंसी पर बाहर की फ्रीक्वेंसीज आपके ऊपर असर नहीं करती। इस लास्ट ट्यूनिंग के अंदर बहुत ही माइन्यूट ट्यूनिंग होती है, जिसमें हम डेल्टा स्टेज तक जाते हैं, जागृत भी होते हैं पर इस व्यक्त दुनिया के प्रभावों से अप्रभावित होते हैं। उसमें फिर चारों तरफ कितना ही ढोल भी बजता होगा, चारों तरफ कितने भी गीत चलते होंगे, परंतु आपके अंदर डिस्टरबेंस पैदा नहीं कर पाएंगे। परंतु ये निंद्रा नहीं है। निंद्रा और दिस स्टेज जो अभी बताई, योग की परफेक्ट स्टेज, एक पतली सी लाइन से अलग होते हैं। इस लाइन से नीचे गए तो नींद है, और इस लाइन से हल्का सा ऊपर रुके तो इट इज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ये जो माइंड की ट्यूनिंग है,
इसको आपको बहुत ध्यान के साथ सीखना है, कंट्रोल करना सीखना है. स्पीड ऑफ द थॉट्स शुड बी रिड्यूस्ड. और ये हमको करना है आंखें खोलकर. सेमी निंद्रा की अवस्था में क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक सेमी निंद्रा की अवस्था क्यों होती है, क्योंकि वो योग जैसी ही लगती है, क्योंकि उसमें तीनों फैक्टर्स होते हैं पर थोड़े थोड़े होते हैं. उसमें हल्का हल्का चिंतन भी चल रहा होता है. आपको याद होगा बचपन में जब आप पढ़ते थे तो ड्राउजीनेस की कंडीशन में जब आप पढ़ते थे तो क्या अनुभव होता था, उसमें ऐसा लगता था मुझे याद हो रहा है, मैं भूलूंगा नहीं, मुझे याद आ जाएगा. और ये भी लग रहा था मैं अलर्ट हूं, ये सब चल रहा होता था. पेज बदल दिया किताब का कि मैंने पिछला पेज पढ़ लिया है. लेकिन जब दिन होता था उसके बाद, जब बिना किताब के उसको रिवाइज करना चाहते थे तो वो याद नहीं आता था, बिकॉज इट वॉज नॉट प्रिंटेड वेरी नीटली एंड क्लीनली. ऐसे ही योग में होता है, वो चित्रण हल्का चिंतन चल रहा है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. चिंतन है, चिंतन बिल्कुल जीरो नहीं है, परंतु उस चिंतन का जो चित्रण है मस्तक में चमकती हुई प्रकाश मणि चारों और विश्व में अपना प्रकाश फैला हूं. ये नहीं होगा, उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, विजन की क्लैरिटी नहीं होगी. और तीसरा, उसमें फीलिंग भी मिक्स फीलिंग होगी, अनुभूति नहीं कहेंगे उसको. इसीलिए हर रोज अमृत वेला के बाद अपने आप को नंबर जरूर देना है. आप नंबर जब देंगे तो अपने आप आपका माइंड कैलकुलेट कर लेगा कि क्या वरदानों की अनुभूति थी, आनंदमय स्थिति थी, अच्छी थी या फिर ढीली थी. अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा. जितना ट्रूली कैलकुलेट करेंगे उतना ही आप हर दिन में सुधार करते जाएंगे. इसलिए जो सेमी स्लीप तंद्रा जिसे बोला जाता है, ये तंद्रा की अवस्था में अपने आप को बचाना है. और ये तभी आती है जब हम आंखें बंद करके योग करते हैं. और मैंने दिखाया जैसे अभी बाबा की मुरली में, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, बाबा ने आंखें बंद करके योग करने से मना किया है. सेमी स्लीप को ही वो योग समझ लेते हैं, वो योग नहीं है. और इसका प्रैक्टिकल जो प्रमाण है, आप देखिए, अपने आप से पूछिएगा, थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर सीधे होके बैठ जाएं, टिक जाएं. एक प्रश्न पूरी सच्चाई के साथ अपने आप से पूछेंगे. किसी को 5 वर्ष हुए होंगे, किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष राजयोग का अभ्यास किए हुए, करते हुए, यानी शांति के सागर, परम पिता परमात्मा से योग लगाते हुए
मुझे 10 वर्ष हो गए, परंतु पूछे अपने आप से मेरा क्रोध का संस्कार नष्ट हो गया। सच्चाई से पूछेंगे हमने जहां भी ये प्रश्न पूछा है, मेजॉरिटी इसमें यही कहते हैं कि पहले से परिवर्तन हो गया भाई जी, लेकिन संपूर्ण रूप से छूटा नहीं। हम ये कहते हैं चलो 1 महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीना साल 2 साल 4 साल, लेकिन अगर शांति का सागर मिले हुए और उससे योग लगाते हुए मुझे इतने वर्ष हो गए, तो फिर उसकी शांति की जो ऊर्जा है वो कहाँ जा रही है? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से बड़े आराम से सुनेंगे। मुझे शांति के सागर से योग लगाते हुए 10 वर्ष हो गए, क्योंकि कहीं काफी समय तो पहचानने में लग जाता है भगवान को। पर जब हम कहते हैं कि मैं बाबा को अच्छी तरह से पहचान गई हूं, मेरा उससे नाता लग गया है, जुड़ गया है, तो फिर ये पूछना चाहिए कि शांति के सागर योग लगाते मुझे इतने वर्ष हो गए, तो वो शांति की ऊर्जा कहाँ जा रही? मेरा क्रोध नष्ट क्यों नहीं हो रहा? वास्तव में मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया, योग भी हम कर रहे हैं, उठते भी हैं और मेहनत कर रहे, मुरली भी सुन रहे हैं और मुरली को स्वीकार भी कर रहे हैं बुद्धि से। बाबा कहता है बच्चे क्षीर खंड होकर रहना है, बच्चे चुगली निंदा झरमुई झगमुई में नहीं जाना है। परंतु अगर पूछा जाए अपने आप से क्या मैं मुक्त हो गई, वो मुक्त क्यों नहीं हुई, इसका टेक्निकल रीजन है कि जो योग लगाया जा रहा है, जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, वो कनेक्शन परफेक्ट नहीं है। अब ये बल्ब रहा है, अगर कनेक्शन में थोड़ा भी लूज होगा तो ये पूरी ब्राइटनेस के साथ नहीं जलेगा, फ्लिकरिंग करेगा। कनेक्शन नहीं होगा तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन फ्लिकरिंग करेगा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो हमारे भी संस्कार में अगर ये कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो जो कनेक्शन है वो परफेक्ट नहीं लग रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण 70-80% अंडरलाइन करेंगे, आज से ये करेक्ट करना है। आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं बाद में कि आंखें खोल के कैसे योग करना है, आपको आंखें बंद करके योग नहीं करना, आज से चाहे सिर्फ बैठे रहना पड़े लेकिन आंखें बंद करके योग नहीं करना है। तो ये 4 अवस्थाएं योग की जो हमने समझाने का प्रयास किया, इसमें सबसे ज्यादा आपको सेमी निंद्रा से अपने आप को बचाना है और आंखें बंद करके आज से योग बंद कर, आंखें बंद करके नहीं करना है। आंखें खोल कर सहज रूप से याद शब्द रखेंगे तो आसान हो जाएगा, मुझे याद करना है। योग बोलते ही एकदम हमारे अंदर एक खिंचाव आ जाता है और एकदम आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है, लेकिन मुझे अपने माशूक को याद करना है। अमृत वेला में
एक नोटबुक आपको मदद करेगी। अगला पॉइंट, नोटबुक आपको मदद करेगी, टेक द हेल्प ऑफ नोटबुक। नोटबुक में आपको नोट करना है शुरू में, शुरू की अवस्था है ये। अगर उसे आनंदमयी बनाना है तो यू हैव टू सेलेक्ट योर एनर्जी थॉट्स। अपने कुछ ऐसे थॉट सेलेक्ट करने हैं जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे आप सवेरे उठे, आपने गुड मॉर्निंग किया। अब गुड मॉर्निंग भी कई तरीके से होता है। एक तो मालूम है कि गुड मॉर्निंग करना है, जैसे बच्चे भी कई बार करते हैं गुड मॉर्निंग पापा, है ना, और कई एक्टिवली करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं। तो मैं भी बाबा को सवेरे सवेरे भले निंद्रा से उठे लेकिन बाबा को गुड मॉर्निंग क्या मुस्कुरा के करती हूँ, क्या उठते ही मेरे अंदर एनर्जी चैनलाइज होती है या आलस्य खींचता है। ये थोड़े दिन के अभ्यास से ठीक हो जाएगा। आपको उस नोटबुक में कुछ ऐसे विचार, जैसे कुछ विचार तो हम बता रहे हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि मेरे मन को स्वीकार होने वाले सारे विचार आपके मन को स्वीकार हों। आपका एनर्जी थॉट अलग हो सकता है, मेरा एनर्जी थॉट अलग हो सकता है, बट कुछ हमारे कॉमन है, क्योंकि हमारी कल्चर कॉमन है, हमारे लक्ष्य कॉमन है, कुछ हमारे कॉमन है। जैसे किसी किसी को इस बात से बहुत उमंग आता है कि मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं, मेरे मस्तक के प्रकाश से पूरे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं का अंधकार मिटने वाला है। किसी किसी को इसमें बहुत आनंद आता है, उनको नींद आती है। हमने भी ये प्रयोग किए, मानो नींद आने लगी। अगर मैं आत्मा सोती हूं तो इस विश्व का क्या होगा, इस विश्व का अंधकार कैसे मिटेगा अगर मेरा प्रकाश जगमगा नहीं रहा। अब ये थॉट मुझे आनंद दे रहा है, जरूरी नहीं है ये किसी दूसरे को भी आनंद दे, परंतु कुछ विचार अच्छा आपको नोट करने हैं, करीब 40-50 थॉट्स, ताकि आप उसे बदल बदल करके इस्तेमाल कर सकें। आज हम जैसे 1 बजे उठे, 1:30 बजे तक स्नान भी कर लिया, 1:30 से लेकर 5 बजे तक बैठे, बहुत आनंद आया। बाबा से निरंतर ऐसे बातें चलती कि उठने का भी दिल नहीं कर। तो आपको सेलेक्ट करने थॉट्स, कुछ विचार हम आपको बताते हैं सवेरे सवेरे के। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, और अभी जैसे हम बता रहे हैं ऐसे हल्का सा चेहरे पर खुशी। वैसे तो ये अपार खुशी की बात है, और बाबा की मुरली कहती है बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए क्योंकि हमें भगवान मिला है। तो सवेरे सवेरे हम तो रोज याद करते हैं मुझे भगवान मिला है, और जिसे भगवान मिला हो, जिसे भगवान मिला हो, विचार करो उसके भीतर खुशी कितनी होनी चाहिए। इसे टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये उंगलियां रोक लीजिए, इसे महसूस करने की जरूरत है। जिसे भगवान मिला हो, आगे क्लासेस में हम आपको बताएंगे, अगर आप ये कहते हो कि मुझे भगवान मिला है, वास्तव में ये काफी है आपकी जिंदगी के सारे दुख, परेशानियां, चिंताएं, भय, आशंकाएं व्यर्थ, दुविधा
सबको नष्ट करने के लिए ये एक स्वमान काफी है, मुझे भगवान मिला है। परंतु अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसको घोटे कैसे? भगवान तो मिला है लेकिन, लेकिन के बाद वाली कहानी तो खूब सुनाएंगे, लेकिन जो मेन है कि भगवान मिला है, अगर सवेरे सवेरे अपने भाग्य का गुणगान कर लें कि मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं जिसे स्वयं भगवान ने चुना है। सुनते सुनते इन महावाक्यों ने बहुतों में रस देना बंद कर दिया है, और खासकर अमृत वेले के समय निंद्रा का रस जीत जाता है, भगवान के प्रेम का रस हार जाता है। निंद्रा ज्यादातर में, सभी में नहीं, 60-70% हम बोल रहे, बहुत अच्छे अच्छे योगी हैं जिनकी बैठने की अवस्था, उनके चिंतन वही तो काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा, क्योंकि बहुत जगह गए हैं भट्टिया कराने, तो मेजॉरिटी को ये शिकायत रहती है कि जितना पावरफुल होना चाहिए उतना पावरफुल नहीं थे। तो ये चिंतन आपको अपना सिलेक्ट करना है, आज का होमवर्क है आपका। आपने ऐसे कुछ विचार, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह भगवान ने भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में दे दी, मेरे भाग्य के क्या कहने, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, कितना दिल की गहराई से आपका शुक्रिया करूं, मुझे विश्व परिवर्तन करना है, मुझे अपनी ज्योति से पूरे विश्व का अंधकार मिटाना है, हम जागेंगे तभी तो विश्व जागेगा, आज पूरे संसार में दुख है अशांति है, मेरे प्रकाश से ही मेरी शांति से ही ये सब नष्ट होगा, मैं नहीं जागूंगी तो इस संसार का क्या होगा, मैं सो नहीं सकती हूँ, अब मेरे सोने की वेला खत्म हो गई है, अलबेले होने की वेला खत्म हो गई है। आज भी जो भाई बहन सुन रहे हैं, बहुत हल्के में ले लिया संगम युग को प्यारे भाई बहन, आज से 2 बजे उठने का संकल्प मेजॉरिटी कर लीजिए। मेजॉरिटी वो कैसे एडजस्ट करना है मैं आपको दिखा दूंगा। मुरली में अभी आया था 10 दिन पहले, बाबा के डायरेक्शन आए थे 9 बजे सो जाना चाहिए, आजकल हम 8:45 पर बेड पर चले जाते, मोबाइल ऑफ 9 बजे, 9:15 बजे तक बाबा की गोद में, 12:45 पर बिस्तरे से बाहर, 1 बजे स्नान, 1:15-1:30 बजे योग में बैठ जाते, बीच में दूसरी विधियां जो लगाते हैं वो आगे सब्सिक्वेंट इसमें हम करते रहेंगे आगे टॉपिक्स में, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो चल रहा है, अभी शुरू हुआ है अमृत वेला का टॉपिक। तो अभी होमवर्क आज का याद करेंगे, अच्छे अच्छे थॉट्स, और वो थॉट्स पहले दिन में लिख लीजिए, फिर अमृत वेला में अगर नींद आए तो आपको एक चीजें ध्यान में रखनी। बाबा की मुरली में बाबा ने कहा, चाहे कड़वा तेल डालो, चाहे पंखे से चुटिया बांधो, चाहे चूंटी काटो, चाहे चमाट लगाओ, चाहे घूमो फिरो, कुछ भी करो। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स याद रखेंगे, अगर बैठकर योग करने में नींद आवे तो जरूरी नहीं है बैठ करके ही याद करना है, नींद आवे तो ध्यान देना, ये आप अभी फीड करेंगे। सवेरे निंद्रा का प्रभाव आपको कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करने नहीं देता है, उस वक्त आप जिस जगह पर बैठे हैं, आपने अनुभव किया होगा, अगर एक बार एक जगह पर बैठे हुए निंद्रा आ गई, आप चाह के भी उठ नहीं पाते हैं, थॉट भी चल रहा होगा कि उठूं पर वो उठने नहीं देगा, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड एन ऑरा ऑफ वीक वाइब्रेशंस अराउंड यू ऑन दैट पर्टिकुलर सीट, उस सीट पर आपने
एक कमजोर संकल्पों का ओरा पैदा कर लिया है जो आपको बांधे रखता है, वो वृत्ति बांधे रखती है, सोचते हुए भी उठ नहीं पाते। लेकिन अगर दिन में पहले से ही प्री प्लान्ड ट्यूनिंग की हुई है कि कल मुझे अगर ऐसे निंद्रा आई तो मैं वो स्थान छोड़कर उठ जाऊंगी, मैं आती स्थान पर बैठे नहीं रहना है, ब्रेक द ऑरा, उस ऑरा को ब्रेक करना है। निंद्रा आ रही है, बैठना नहीं, नींद आए तो मुझे वो स्थान छोड़कर उठ जाना है, ये अभी प्रतिज्ञा करेंगे। चाहे खड़े होकर याद करो या घूमकर, पर मुझे सोना नहीं, चाहे पानी के छींटे मारो, चाहे अपने किसी साथी को कहो। हम यहाँ तपोवन में ये करते हैं, बड़े प्यार से हमने ये स्वीकार कर लिया है कि भाई निंद्रा कोई पाप कर्म नहीं है, क्राइम नहीं है, लेकिन निंद्रा हमारे समय को वेस्ट कराता है। तो इसलिए निंद्रा में हमें जीतने में मदद करना, ऐसा हमने प्लान किया एक दूसरे के साथ। तो हम क्या करते हैं, अगर जिसको भी थोड़ा हुआ हल्कापन दिख रहा है तो एक दूसरे को थोड़ा तो पता लग जाता है, तो जाकर उसको बड़े प्रेम से ऐसे ब्रह्मा बाबा की तरह उसके सिर पर या कंधे पर थोड़ा सा हाथ लगाते हैं बस, क्योंकि हम पॉजिटिव भावना से करते हैं फिर वो जागृत हो जाते हैं। ऐसे हमने केवल 2 मास के अंदर मेजॉरिटी को बहुत अच्छा सीधा बैठना सिखा दिया है। तो इसलिए ये मदद भी एक दूसरे से आप ले सकते हैं कि किसी को कहो कि हमें सावधान करें। 2-4 प्रश्न आए हैं, मैं 5 मिनट में उसका जवाब देकर आज का सेशन एंड करूंगा। एक प्रश्न है, योग में बाबा के गीत सुनने चाहिए या नहीं? इसमें जवाब लंबा है, लेकिन हाँ भी है और ना भी है। बिगिनिंग वालों के लिए हाँ है, जो अभी सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, परंतु जो मैच्योर हो गए हैं वो जरा एक बात का जवाब दीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। लैला मजनू को प्यार करती थी तो कौन सा टेप रिकॉर्डर बजा के करती थी? मीरा कृष्ण को याद करती थी तो कौन सा साधन था, कौन सा ड्रम था जो बजता था फिर होता था? और वो तो छोड़िए, आज भी एक माँ जब अपने बच्चे से प्यार करती, तो कभी देखा आपने उसने अपने बच्चे को बोला बेटा रुक जाओ थोड़ा सा गीत बजा के आती हूँ फिर प्यार करूंगी? एक्चुअली लव इज ए फीलिंग, जिन्हें दिल से प्यार करना आ जाता है उन्हें बाहर के गीतों की आवश्यकता नहीं होती। मुरली का रेफरेंस देंगे, बाबा मुरली में गीत इसलिए चलाता कि अच्छे अच्छे गीतों से मदद मिले, पर बाबा ही कहता है मुरली में, बच्चे तुम्हें इन गीतों की दरकार नहीं। बाबा दोनों स्टेज वालों के लिए बात करता है कि इनिशियली यू नीड यू कैन टेक हेल्प, लेकिन प्यार को इतना जल्दी बढ़ाओ, और अगले कुछ सेशंस में अगर आप कनेक्ट रहते हो आपका ये काम हो जाएगा। बिना गीतों के हमने 15-15 घंटे भटियां कराई, 15 घंटे लगातार, केवल 1 घंटे का ब्रेक, लगातार भट्टी कराई, और उसमें मुश्किल से 1 या 2 गीत बजे होंगे। गीतों की प्यार में आवश्यकता नहीं होती, यह है मैच्योर लोगों के लिए, परंतु नयों के लिए मना ही नहीं। कमेंट्री का सहारा लेना है, सेम उत्तर है उसके लिए भी। कमेंट्री खुद बननी चाहिए, परंतु शुरू में हमारे जो गाइड्स होते हैं, वरिष्ठ भाई बहनों की जो कमेंट्रीज हैं, वो हमें गाइडेंस देती हैं, मदद करती हैं, लेकिन एक समय के बाद जब आपको लगे कि मैं निराधार हो गया हूँ उसमें, तो फिर कमेंट्रीज आपके दिल से खुद निकलनी चाहिए। आंखें बंद हो ही जाती हैं तो कड़वा तेल डालिए, सरसों का तेल साइड में रखिए और
हो जाएगा, हो जाती है, इसके ऊपर और भी चर्चा चलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जब आंखें बंद हो जाती हैं तो आप बोलो मुझे योग नहीं करना है, मेरे को तो बाबा की फोटो के सामने बस बैठना है, समझे, मुझे योग नहीं करना है, मुझे तो बाबा की फोटो के सामने केवल बैठना है। अब फोटो के सामने बैठकर केवल बाबा को देखने में क्या मुश्किल है? जैसे ही बोलते हैं योग करना है तो कुछ ऐसा प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है जो हम धीरे धीरे समझाएंगे आपको, लेकिन बाबा की फोटो की तरफ देखना है, आप देखिए धीरे धीरे क्या होता है, आगे बताएंगे, इसका पूरा जवाब नहीं है ये, लेकिन बाबा की ओर देखना है और जागृत बैठना है, बाबा की ओर देखना है, जागृत बैठना है, भले एकाग्रित हो या ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गुस्सा कुछ भी करे आता ही है। मेरे पास कितना टाइम है भाई? 5 मिनट। अच्छा, हितेश भाई मेरे को 5 मिनट का एक्सटेंशन दे रहे हैं, बोले गुस्से वाला टॉपिक है तो बड़ा ओके। ध्यान से सुनिएगा, जिसने भी ये प्रश्न दिया है सीधे होके बैठ जाएं सभी। इस पर डिटेल क्लासेस होंगी एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी जो इसके बाद वाला टॉपिक होने वाला है, एक बाबा शब्द के द्वारा, केवल कल का स्लोगन अगर आप याद करेंगे, सर्व खजानों की चाबी है बाबा शब्द, संभाल कर रखो। एक्चुअली हमने भगवान को यूज करना ही नहीं सिखाया। ही इज ऑफरिंग ऑल ऑफ हिज हेल्प बट वी आर अनेबल टू यूज हिज हेल्प। गुस्से के ऊपर केवल एक हल्का सा चोट या टैप मैं आपके दिल में छोड़ना चाहता हूं। सीधे बैठ गए सभी? कैजुअली नहीं लीजिए इसको। क्या आपको भगवान से प्यार है? जवाब दिमाग से नहीं आना चाहिए, हमें गर्दन हिलाने की आवश्यकता नहीं, आपको गर्दन हिलाने की आवश्यकता नहीं, ये यहां वाला जवाब नहीं चाहिए, ये जवाब में बहुत गड़बड़ होती है जी, बाद में बताएंगे आपको। फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, क्या मुझे भगवान से प्यार है? दिल से आने वाला जवाब दीजिए। अगर आपका दिल कह रहा है हाँ, अगला प्रश्न पूछो, क्या आपने दिल में बाबा को बिठा लिया है? थोड़ी हलचल हो तो रोकिएगा। क्या आपने दिल में बाबा को बैठा लिया है? दो उत्तर हो सकते हैं, मेजॉरिटी कह रहे होंगे जी हाँ, अगर जी हाँ है तो मेरा प्रश्न है। जिन्होंने प्रश्न पूछा, अगर उन्होंने जी हाँ कहा है तो मेरा प्रश्न है, जिसके दिल में प्रेम का सागर बसता हो, शांति का सागर जिसके दिल में बसता हो, क्या भगवान के साइड में गुस्सा भी बस सकता है?
भगवान के साथ गुस्सा रह सकता है? अपने उत्तर को चेक करना, क्या मैंने भगवान को बसा लिया है? जिस दिन बाबा को संपूर्ण रूप से बसा लोगे दिल में, क्रोध एक सेकंड भी नहीं लेगा जाने में। अभी अभ्यास करो, अगर मैं बाबा की सच्ची बच्ची हूं तो आज प्रतिज्ञा करती हूं, अगर सच्ची बच्ची हूं तो आज प्रतिज्ञा करती हूं कि अपने दिल में बाबा को बसाऊंगी, क्रोध को नहीं। मुझे शांति का संसार बनाना है, चाहे कुछ भी हो, बातें कितनी भी हों, कितना भी लोग आक्रोश दिलाएं, मुझे क्रोध नहीं करना है। इस फीलिंग के साथ शुरू करें। आगे कैसे करना है थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्रोध मुक्त हो जाएंगे, केवल भगवान को सही तरह से बिठा लेंगे। तो कल का होमवर्क याद रखिएगा, 2 बजे उठने वाले बढ़ने चाहिए आज की क्लास से, और जिन्होंने 4 बजे वो 3 बजे पर आ जाइए, और योग में अपना थॉट सिस्टम, एनर्जी थॉट्स 30-40-50 जमा कीजिए। कल फिर से मिलेंगे 9 बजे। इन्हीं के साथ ओम शांति, धन्यवाद।